नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इसी चैनल में। क्योंकि हमारे पास दूसरा चैनल नहीं है तो फिर से आपको इसी चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ, लगातार बने रहिए। आपको हम दिखाते हैं, पिछले बार हम मुखिया से मिले थे, इन्होंने अपने गांव के विकास से बहुत कुछ बहुत बड़ी 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 बातें बताए थे और हम गाँव के इसी रास्ते से गुजर रहे थे। देखे हैं कि इस गाँव में कि क्या क्या विकास है, क्या क्या नहीं है। तो सोचे आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हंची गाँव में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपका कहाँ कहाँ बताएँ। आइए लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुखिया के गांव की अभी उसी सड़क पर खड़े हैं जिस सड़क के मुद्दे की बात हो रही है। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसे कैसे हालात है। अभी देखिए पीछे से गाड़ी आ रही है, आपको दिखाते हैं गाड़ी गुजर पाती है या नहीं। आइए आइए आपको दिखाते हैं, दिखाइए कैमरा मैन आप आइए। ये देखिए आप लोग, ये गाँव के हालात है और एक गाड़ी गुजर रही है और ठीक से गाड़ी तक नहीं गुजर पा रही है। देख सकते हैं, दिखाइए कैमरा मैन, दिखाइए। ये गाड़ी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यार है भैया से कुछ पूछ रहे हैं, आइए भैया आइए आइए, ठीक है यहाँ देखिए आइए, इधर 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 आइए, इधर आइए इधर आइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी वाले भैया गुजर रहे थे तो फिर इनको हम रुकाए हैं इनसे कुछ पूछताछ करने के लिए। तो भैया आप जो ये रास्ता देख रहे हैं आपको क्या लगता है, पार कर लेंगे? अरे महाराज, हम लोग तो उधर से आए हैं तो हमें लगा है कि गड़िया हमारा उसी में गिर गया। इतना मतलब बेकार रास्ता, बेकार रास्ता अपने अति में आज तक कभी नहीं देखे। अरे भैया, गांव के प्रधान को करना चाहिए कुछ, इसके क्या फायदा है इसे प्रधान होने का, और रोड है ही नहीं है गांव में। कितना पब्लिक को दिक्कत होगा, पब्लिक को ही पता है हर रोज। हाँ, पब्लिक को दिक्कत तो है ही साथ साथ, मतलब जो भी आए व्यक्ति आते जाते रहते हैं सबको दिक्कत है। हम लोग गाड़ी निकलना मुश्किल है भैया। हम लोग पार्सल वाले भैया दिन में कम से कम 50 गांव घूमते हैं, लेकिन ऐसा रोड हम लोग आज तक कभी नहीं देखे। नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे महाराज। ऐसा रोड से आते हुए मतलब मान लीजिए कभी कुछ हो जाए, गाड़ी पलट जाए तो क्या होगा? लोग गांव के मुखिया को ही ना बोलेंगे? तो मुखिया को सब कोई बोलेगा, जबकि मुखिया का काम है सुधार कराना, गांव का देखभाल करना। अभी तक कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इतने गांव में आ गए हम लोग, नहीं सही है तो विकास क्या दिखाई? जब शुरुआत ही अच्छा नहीं है तो बताइए कि गांव का और गांव के बारे में लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये RCC रोड और ये जो है कच्ची रोड है, जानते हैं काहे नहीं बन पाया है? देखिए बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं आदमी, लग रहा है बहुत ही होशियार हैं। और ये जो है कच्ची रोड है इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि आधा पैसा जो है जेब में चला गया है, आधा जो है बचा है उसको रोड बन गया है। और बहुत ही होशियार व्यक्ति दिख रहे थे, वो जा रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे देखते देखते जा रहे हैं। आते रहिए, हम दिखाते हैं, ये दिखाइए गढ़ा, दिखाइए कर वो इंच कितना बड़ा बड़ा गढ़ा है, पता नहीं चलेगा। जो गाड़ी गिर जाए तो उस पार गड्ढे में उलट जाए। इधर दिखाइए नीचे, पता नहीं गाँव में क्या विकास हुआ है, इतना कीचड़ काचड़ और घचर घचर पता नहीं क्या कर दिए हैं सब। दिखाइए गढ़ा ये है, यहाँ से एक गढ़ा में गया चार चक्का कहता है पूरा बाहर चला जाएगा खेत में, समझ ही नहीं आ रहा है क्या गाँव में विकास हुआ है। आइए लगता रहा, ये दिखाइए ये देखिए ये सबसे बड़ा, इनसे जब चक्का गिर जाता है तो निकल ही नहीं पाता है उनसे गाड़ी, अब क्या बताएं। देखिए ये आदमी होशियार है, कुछ पता नहीं क्यों रुक नहीं रहा है, बता बात कर। सुनिए जी, ओए सुनियो, ये सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। सुनो यार, कुछ बात करनी है तुमसे। देखिए बांचे कितना पानी लगा हुआ है, देखिए भैंची गांव का रास्ता देख के एकदम हमारा माथा खराब हो गया। चल रहे मुखिया का घर भैंची गाँव फार रहे हैं, और देखिए मुखिया का नौकर है वो आ रहा है, पता नहीं कौन कौन व्यक्ति पकड़ कर ले जा रहा है उसको। ये मुखिया जी का नौकर जो मुखिया जी के घर हमेशा काम करता रहता है, पता नहीं होगी सुबह उठ सुबह तो मुखिया जी के पास मुखिया जी तो गलौकत नहीं बका का गटई फारा तले आके
अरे चली चली बताओ तो नहीं, अरे चली ना बताओ तो नहीं चली। देखिए मुखिया जी बात ऐसा है, आखिर हमारे बेगम पैसा है, इस साल रुपया कमाए तो शूटर हुआ है, पर गंगा में वो रिपोर्टर आया हुआ है। मतलब? अरे रिपोर्टर आया हुआ है। हाँ। आपका जो चेलवा था उसके सामने बहुत झाड़ रहा था, अब देख रहे थे मुखिया जी साला रिपोर्टर उसका गाड़ फाड़ रहा था। रिपोर्टर के ने फाड़ दे, तू ही बता उम्र के धंधा की कमाई कितना भइल। देखिए मुखिया जी आपको हम दिखाते हैं अभी। देखिए मुखिया जी ये रहा आपका दो नंबर धंधा का एक नंबर कमाई, जो रोड बना लाल कितना कमाई। ली मुखिया जी आपका टोटल हिसाब 35,76,776 रुपया। ले 76 पर रख ले पान गुट का खाए सुनती साहब, 76 संग तो नहीं काम के 76 रुपये लग धोली, मेहनत कर ले बनी। ये सब तो छोड़, बताओ चलवा का कहत रहल रिपोर्टर से। देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुखिया जी के घर पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा कैमरामैन, जरा मुखिया जी के द्वार पर फोकस कीजिए तो। हाउ छोटका? हां हां हुआ हुआ। आज आवे थे घर में ससुरा के काज का पूजा निकम ना, हमार हमार ससुर नमक खलाली कइले बा। नमाला खलामी ना, बहुत बड़ा धोखाबाजी कइले बा। दे सुन बात हमार, दे पहले जो है सामान उठो और भट्ठा पर पहुंचा के होते 5 घंटे बा में हम मीडिया के सामान ले। दे उठ उठ जो पहले उठ, हम के हिसाब देखो भाई, चल हट। ये की कौन है जी? रिपोर्टर बाबू मुखिया जी का मैनेजर है। रुको जी रुको 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 रुको, बैग में कहा है जी? बैग में जा रहे हैं हम सामान लेकर कोई। अच्छा ठीक है चल जाना, देखा बैग में कहा है देखा? रुको यार रुको, सामान है तो कौन जबरदस्ती है। बैग दिखाओ, पकड़ो देखो देखो पकड़ो। मुखिया जी बुलाओ जी बुलाओ मुखिया जी मुखिया जी। ये देखिए मुखिया जी खोले अभी, फिर गेट बंद कर लिए हैं, अभी अभी इनको बुला रहे हैं, देख रहे हैं बुला रहे हैं अभी। ये खोलिए दरवाजा तोड़ने। चलिए देखिए मुखिया जी को बचाते बचाते दोनों आपस में लड़ रहे, कहाँ लड़ रहे हो? सुनो पहले बात सुनो, ये मुखिया जी का आदमी है, ये भी मुखिया जी का आदमी है, ये कुछ लिया है दिखा नहीं रहा बैग में और इसको पकड़ के लाए हैं, और मुखिया जी तो पड़े हुए नीचे। उठिए उठिए मुखिया जी उठिए, और इनसे बात कुछ और किया जाए। आओ आओ जाने मत देना इसको, बैठो। अरे मुखिया जी कहाँ हो गई? ये बैठ हम भी बैठ रहे हैं पर देख रहे हैं मुखिया जी से बातचीत कर रहे हैं। का पूरा कह रहे थे आप पूरा गांव विकास किए, पूरा गांव घूम लिए, एक भी भंचो विकास नहीं दिखा, किधर किए हैं विकास बताइए हमको बताइए। ए मुखिया जी नोटिया पत्ती बना के घुसा का दे दी, कुछ मांग रहा दे दी। कहाँ देने का बात कर रहा है जी? कहाँ देने का बात कर रहा है? नहीं कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। ये पूरा गांव भांचे घूम लिए, एक भी विकास नहीं दिखाई दे रहा आपको, अरे पूरा गांव भी विकास किए हैं। अरे दीदी ना तो गड़ महाराज है का दीदी, कुछ लोग बात बस बात कर रहे हैं, आपसी बात है। देखिए मुखिया जी 5 लाख रुपए दोनों लोग आपसी बात कर रहे हैं। अरे सुनिए मुखिया जी, ये आप ही का आदमी है? हाँ हाँ भंचे, तभी से कह रहे हैं कि बैग दिखाओ, बैग में क्या है लेकिन दिखा नहीं रहा, बताइए क्या चीज है? मीडिया नहीं देख सकी, कौन देखेगा? दिखाइए पहले दिखाइए। नहीं मत देखिए बैग में सामान है। देखिए दिखाने से मना कर रहा है सरासर, इसमें कुछ गलत बात हो रही है, अभी आप जनता तक जब पहुंचेगी पूरा कोर्ट तक तब समझ में आएगा। काहे मुंह छुपा रहे हैं, काहे? दिखाइए मुंह, दिखाइए कैमरा में दिखाओ इसको, दिखाओ मुंह। ऐसे देखिए मुखिया जी अपना मुंह छुपा रहे हैं, लग रहा है जैसे कि इनका इज्जत लूट गया है बाजार में। वैसे आप इनका मैनेजर से बात कर रहे हैं, कुछ काम बन जाए हमारा तो समझ रहे हैं मैनेजर जी, समझ रहे हैं? देखिए बात कर रहे हैं मुखिया जी से, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या देने के बात कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। फिर भी आ गया, हम आपको बताते रहेंगे, पर्पल का न्यूज आपको मिलते रहेगा हर पल। क्या समझ रहे हैं? हम ये कर रहे हैं आपके लिए तोहफा है, बहुत अच्छा गिफ्ट है, इसमें तोहफा है जी हमारे लिए। हाँ आप मत खोलिए। अरे देख लेने दो यार, तोहफा है, तोहफा नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? पकड़िए मैं को पकड़िए, तो भाई पकड़ो, मुंह छिपा ही रहे हैं। ये कैमरा बंद कर, काम हो गया, जान बच गई भाई, जान बच गई। लेकिन एक बात सुनी मुखिया जी। हाँ बोला। रिपोर्टर बात चल गई ना, सुना चेलवा बचल भाई, एकरा चलते 5 लाख का चुना ला कर। ओ
कौन है?